एक तो ये है कि आपको वो मिल गई ना डेट शीट जो एमएसटी की है ना, एमएसटी यस सर आपके 12th से हैं। एक 18th को आपके दो सब्जेक्ट का होगा, उसमें टाइमिंग्स देखेंगे क्या है, नहीं तो शॉर्ट डाल देंगे ना, शॉर्ट क्वेश्चंस ही रहेंगे। आपको ये पैटर्न भी मेरे ख्याल आपके डाला है पैटर्न की नहीं, अभी आपको पता है कि कैसा आना। ये आपका 30 मार्क्स का होगा पेपर जो है ना। सर नहीं बताया पैटर्न अभी। अच्छा वो चलो मैं डाल दूंगा, वो भी 30 मार्क्स का होगा, अच्छा उसमें सर 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे, ऐसा है कुछ। वो आज मैं बना रहा हूँ तो आपको मतलब वो पैटर्न दे भेज दूंगा मैं, तो ओके शॉर्ट ही होंगे, सर 6 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ठीक है ना, 30 मार्क्स का। तो आपको उसी ओके में ही करना है अपना ये जो ईआरपी है, ठीक है ना, ईआरपी में उसमें वो उसमें इंस्ट्रक्चर, वो आपको मैंने सर्कुलर तो भेजा हुआ है, जो सर्कुलर है उसमें इंस्ट्रक्शन जो है, A4 शीट पे करना है, ब्लैक पेन से करना है उसको, फिर हाँ जी उसको अपलोड करना है उसमें, ठीक है ना। तो ये रहेगा ओपन बुक ही है, एक तरह का ओपन बुक टेस्ट है ये, आप घर पे बैठ के किधर नोट्स सर से दे के बना कर लो, और क्या, यही है ना। ओपन इसको कहते हैं ओपन बुक। ओपन बुक में वैसे तो ये होता है कि ओपन बुक में मल्टीपल चॉइस होते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे वो, तो एक तरह का इसे जस्ट मैं कहना नहीं चाहता कि इट्स ओनली फॉर्मेलिटी, चलो आपका वो रिविजन ही है एक तरह से। इफ यू इवन राइट, अगर आप करते हो या कैसे भी करते हो, तो इवन देन यू आर रिमेम्बरिंग समथिंग ना, कुछ कर लिखते हो तो जा तो होता ही है ना वो, तो दैट इज ऑल्सो द हाँ पर्पज कि आपका वो जी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मैं असाइनमेंट्स भी आपको वो दे दी हुई हैं, आप असाइनमेंट भी उसमें डाल देना ना। तो असाइनमेंट यहाँ पे ही करनी है अपलोड। असाइनमेंट भी वो है तो ईआरपी में ही, वो जैसे लास्ट टाइम भी आपने की थी मेरे ख्याल, हाँ जी ईआरपी पर कर रही थी। हाँ ईआरपी में ही करनी है उसको। आपका ये चल रहा है ना ईआरपी वगैरह, हाँ जी सर ईआरपी में करना है ये। हिना नहीं आ रही आज है, हिना ने मेरे सर को आना कहा, तो है पर पता हाँ कह रही थी नहीं। 10:20 पे मैं ज्वाइन करूंगी उसी को मैंने। तो ये है अभी आपका, बाकी तो सब विद इन शेड्यूल ही चल रहा है आपके, वो भी मैडम ने ज्वाइन कर सर लिया है। ये जो न्यू मैम है ना हाँ सर इनका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है। और सर नेटवर्क आवाज तो क्लियर हाँ, सर हम कर नहीं पाते नोट अच्छा वगैरह नहीं किए जाते। नेटवर्क में प्रॉब्लम है उनके। हाँ हाँ जी तो वो आप जैसे हाँ आप लोग हैं, आपने कौन सा नेटवर्क लिया हुआ है, जैसे कोई जियो वगैरह का क्या है ये आपका, आपका भी ठीक चलता है सारा। सर अपने अपने सिम का ही है एयरटेल। अच्छा एयरटेल का है, तो मतलब ये क्या रहता है, स्पीड इसकी अच्छी है ना आपके, ये हाँ होगा। जी सर ओके चलो मैं उनसे पूछ उनका लूँगा, बहुत ही खराब है। हाँ कोई प्रॉब्लम होगी उनको, एक तो वो मतलब यूज तो नहीं होंगे जहाँ उनके उसमें नेट में होगी, तो दूसरा उनको लेना चाहिए पैकेज है ना। अब मैं तो ये जो करा रहा हूँ, मैं तो वाईफाई का लिया हुआ है इसी वजह से, क्योंकि मेरे मोबाइल से तो होता ही नहीं था वो, उसमें क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं ना, स्पीड नहीं थी, इसमें मैं काफ़ी स्पीड है और ये है भी अनलिमिटेड है, तो इसलिए इसमें नहीं है। चलो मैं उनको बोलूँगा कि अब उन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, अब पता नहीं चलता ना, ये ऑनलाइन में यही तो प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी तो चलो आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि आपका सिलेबस भी शेड्यूल टाइम में कंप्लीट हो, क्योंकि उनका पीछे रह गया हुआ है ना वो वाला आपका इंसेक्ट पेस्ट वाला। बाकी ये मेरे वाला जो है दैट इज विद इन शेड्यूल, आपको कोई इसमें नहीं होगी प्रॉब्लम। तो अभी क्या है कि ये जो है, और कोई आपको कोई कुछ पूछना है, एनीथिंग यू वांट एनी टाइप ऑफ क्लेरिफिकेशन कोई किसी तरह का। यस सर। सर जो 18 को 18 को ही है हाँ हाँ दो दो 18 रहेंगे को जो ना, हाँ एग्जाम दो हैं तो उसमें टाइम बढ़ा देंगे या कुछ करेंगे ना, उसमें टाइम बढ़ा देंगे। अब वो अब ऐसे तो आपका 10 से 12:30 तक है ना,
तो उसमें टाइम बढ़ जाएगा, वो अपने हाथ ही है, उसमें क्या है कोई, क्योंकि वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना हमारे, उनके हिसाब से तो वो 6 डेज में हो जाता है, हमारे 7 डेज में भी नहीं होता, तो हमें तो एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ना, तो फिर आपका फिर ऐसे मंडे भी लगेगा क्या फायदा, वो बाकी सबका इकट्ठा करना चाहते हैं ना वो, ये मेरी बात हुई थी संजय पांडे, उसमें देख लेंगे, मैं वो जो है ना उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे टाइम की, टाइम आपको सफिशेंट ले लेंगे। तो ये है दूसरा, ये अभी आपका कमिंग टू आवर प्रैक्टिकल, देखो ये क्या कि मैं इवन देन कि वी आर ऑन ऑनलाइन, ठीक है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने सभी प्रैक्टिकल्स आपको किसी ना किसी तरह से करवाने की, ठीक है ना, तो आई टेक लॉट ऑफ पेन इन दैट कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो अभी आपका ये है कि ये क्रॉप प्रोडक्शन का है, ये क्रीप क्रॉप्स का ये प्रैक्टिकल था ना, जिसमें आपने उस दिन बैलेंस शीट वगैरह और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है, मैंने बैलेंस शीट के बारे में काफ़ी आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में काफ़ी उसमें डिस्कस किया हमने, असेट्स लाइबिलिटीज़, ठीक है ना, फिर डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, करंट असेट्स क्या होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, और फिर ये लाइबिलिटीज़ क्या होती है, फिर नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, तो हमने वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस, फिर इनकम और जो ये स्टेटमेंट जो है वो की, फिर बैलेंस शीट का डिस्कस किया, इनका एनालिसिस, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फिर इसका जो एनालिसिस डिस्कस किया, तो दैट वाज वेरी लेंथी मतलब था। और इसमें एक आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें देखो कि बाकी तो वो सोइंग वगैरह का है, सोइंग ऑफ क्रॉप्स वगैरह, तो वन ऑफ योर प्रैक्टिकल इज रिगार्डिंग दिस हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग है, फिर उसका जो नेक्स्ट रहता है थ्रेशिंग, ठीक है, देन इज विनोइंग, ठीक है, एंड देन इज मार्केटिंग, तो इसका हम ये नाउ टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस। अभी क्या है कि जैसे आपका ये पैडी क्रॉप है, राइस क्रॉप है, ठीक है ना, इसकी हार्वेस्टिंग कई जगह हो गई है, कई जगह हो रही है, ठीक है ना, देन इसकी थ्रेशिंग भी हो रही है, मतलब आजकल तो हार्वेस्टर्स ही आ गए हैं ना जो थ्रेशिंग भी साथ में कर देते हैं, तो देन इसकी जो विनोइंग होती है, ठीक है ना, मार्केट में लेके जाते हैं, तो वो मतलब प्रोसेसेस जो है अभी राइस क्रॉप्स के चल रहे हैं, ठीक है ना, मार्केट में, लेकिन इस बार कुछ आपको ये बार बार मैं ये कहता हूँ, क्योंकि ये जो आपका किसान बिल है, ठीक है ना, इसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट अभी भी हो रहा है, अभी आप पढ़ रहे हो ना टीवी में, जहाँ देख रहे हो, जहाँ यू आर रीडिंग दी न्यूज़पेपर, कि सो मच प्रोटेस्ट दीज बिल्स आर देयर, ठीक है ना, तो मतलब कांग्रेस भी कर रही है, देन बीजेपी इज आल्सो इन्वॉल्विंग, वो भी ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं, तो अभी कोई लेटेस्ट आपको पता है कि एनी डेवलपमेंट इन दिस, कि ये अभी व्हाट द कांग्रेस गवर्नमेंट इज डूइंग इन पंजाब, पंजाब में कांग्रेस क्या कर रही है टू मतलब अपोज दी दैट बिल, बिल को अपोज के लिए, अभी जो मंडियां हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आर यू लिसनिंग एनीथिंग इन द टीवी या न्यूज़पेपर में, कुछ है एनी आइडिया यू हैव रिगार्डिंग दैट, कुछ थोड़ा सा बताओ मेरे को, तो तब दैट विल बी द इंटरेस्टिंग, पहली तो बात है कि कुछ बताओ, कोई मंडी आपने देखी, आपके नियर बाई है कोई मंडी कि नहीं, वैसे ये किसी ने कोई देखी है ये जो राइस नो की प्रोक्योरमेंट सर, की मंडी नहीं है आपके आसपास कहीं, आपका ये बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सब लोग उधर के हो ना, एक हीना ही है इधर की, तो हीना को भी नहीं देखती ना उधर इनके सुजानपुर एरिया में, इधर तो अगर जाओ ना, जैसे मैं यहाँ से जाते हैं, क्योंकि मैं तो कॉलेज में, तभी कॉलेज में था, ये पंगोली चौक से जब जुग्याल की साइड में जाते हैं, पंगोली चौक से, पंगोली चौक बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये डिफेंस रोड पे जो आता है पंगोली चौक, जो माधोपुर को निकलता है ममून से उधर, तो मैं पंगोली चौक आता है, पंगोली चौक से जगयाल की तरफ जाओ, तो उसमें अभी ये मंडियां जो है ना, सरकारी मंडियां जिसकी हम बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, क्योंकि आपका दोनों ये साथ साथ में सब्जेक्ट्स चलते हैं,
तो उसमें मैं वो था कि मैं जो अभी मंडी जो है उसमें एक्चुअल में तो जो मंडियां थी वो 26 सितंबर से शुरू हो जानी थी, क्योंकि इसकी जो हार्वेस्टिंग है ना राइस की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और जल्दी जो अर्ली वराइटीज हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो राइस पर्टिकुलर जो कोर्स ग्रेन होता है, बासमती की मंडी नहीं, मंडी में बासमती नहीं जाती, ठीक है ना। बासमती जो है वो जो राइस सेलर्स हैं जो जिनकी है वो खुद प्राइवेट तौर पे वो उसको खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन इट। तो गवर्नमेंट इसी में इन्वॉल्व है, ये जो आपका है ये कोर्स ग्रेन जो है जिसको हम चोना बोलते हैं, इसको एक्चुअली चोना बोलते हैं ना, ये जो 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 ज़्यादा आपने लगा हुआ देखते हो ना ये सब वो चोना ही होता है, ठीक है ना, उसी की वराइटीज हैं ज़्यादा, तो मतलब वो खरीदते हैं। लेकिन इस वो उसकी जो है मेच्योरिटी अभी कई जगह पे जो अर्ली वराइटीज थी वो मच्योर हो गई थी तो वो मार्केट में आ जाती हैं, तो इसलिए उन्होंने 26 सितंबर का कह दिया था कि मैं मंडियां लग जाएंगी। मंडी जो है वो मंडीकरण बोर्ड होता है, मंडी बोर्ड जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो लगाते हैं मंडियां, तो क्योंकि उनको सरकारी खरीद करनी होती है। तो इस बार इन्होंने ये जानबूझ के यार कि इन्होंने जानबूझ के कांग्रेस, क्योंकि उसके बिल के प्रोटेस्ट में है ना, तो जानबूझ के इन्होंने फार्मर्स को हरास करने के लिए या ये कहने के लिए कि देखो जी ये परचेजिंग नहीं हो रही, तो ये मंडियां जो है वहां पे डिले कर दिया हुआ है। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटीज इन दी मार्केट, जैसे वहां पे बारदाना, बारदाना बोलते हैं जो गन्नी बैग्स होते हैं उसको बारदाना बोलते हैं। ये वर्ड्स भी आपको, क्योंकि आपको ज्यादा फार्मर से डील करना ना, इसलिए मैं जो लोकल वर्ड्स है वो भी आपको बताता रहता हूँ कि क्या इसको बोलते हैं। तो वो वहाँ पे ना तो वो मंडी में ये चीज़ें फैसिलिटीज नहीं है, मेरा मतलब कि फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज इसलिए नहीं है कि परचेज ना हो राइस, तो अगर राइस परचेज नहीं होता तो वो कह देंगे कि देखो जी ये मंडियों में तो मंडियाँ नहीं लग रही, फार्मर जो है हरास हो रहे हैं, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को उसके बिल को प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मंडियां ये तो जो स्टेट, क्योंकि जो परचेज करनी है वो एफसीआई के बिहाफ पे होती है, जो मैंने आपको बोला था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अल्टीमेटली ये सारा जो राइस है ये, उस दिन हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस पढ़े थे ना, उसमें फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन उनका था प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना, ये पढ़ा ना हमने प्रोक्योरमेंट एफसीआई का, एफ सी आई की जो प्रोक्योरमेंट है तो वो प्रोक्योरमेंट ऑन दी बिहाफ ऑफ दी एफ सी आई, जो वहाँ पे ये मंडी है स्टेट मंडीज ये मतलब परचेजिंग करती हैं, अल्टीमेटली दे गिव टू दी एफ सी आई, लेकिन मंडी तो स्टेट गवर्नमेंट ने लगानी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे मंडी नहीं लगानी, दैट इज ओन्ड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपका मैंने ये बताया था कि वेयर हाउस, स्टेट वेयर हाउस जो है दैट इज ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट, मतलब स्टेट की है वो, तो ये है कि दैट्स वाई दे आर डिलेइंग इट, कि मतलब कि टू हरास दी फार्मर्स। तो ये है, ये अभी ये मैं क्योंकि ये लिंक था आपके साथ तो दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू कि ये है। अब हम अगर इसमें देखें कि ये आपके इसमें ही प्रैक्टिकल्स में है हार्वेस्टिंग वगैरह, ये थ्रेशिंग है, तो इसका मैं आपको आई विल शो दी स्लाइड्स अबाउट दैट, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे है, क्या है सिस्टम, और फिर थ्रेशिंग क्या है, फिर ये विनोइंग क्या है। विनोइंग होता है जो आप देखते होंगे कभी मंडी में, जब से ऐसे पकड़ के तो ऊपर को उसको करते हैं तो उसमें से गंद निकल जाता है, ठीक है ना, उसको छज बोलते हैं ना, जैसे आपके तो गाँव में होते हैं छज, लेडीज रखती हैं ना छांटने के लिए, तो वो आजकल विनोइंग हाँ जी मशीन से होती है, आजकल मशीन से विनोइंग वो ब्लोअर लगे होते हैं उसमें से मिट्टी निकल जाती है, तो दैट इज दी विनोइंग, ठीक है ना। फिर ग्रेडिंग होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेडिंग करते हैं तो अच्छा रेट मिलता है, मार्केटिंग एफिशिएंसी जो हमने डिस्कस की थी। तो ये है, अभी हम ये करेंगे, और एक फिर आपका थोड़ा सा जो ट्रेनिंग इसी के साथ ही लिंक्ड है, क्योंकि ये सेम सब चीज़ें आपकी इंटरलिंक्ड है, एक एग मार्क है आपका जो है इसमें, ये आपने सुना है AGMARK, एग मार्क, AGMARK यस सर, है, तो सुना था ये किस लिए होता है एग मार्क, कोई बताओगे मेरे को, एग मार्क जो है ये क्या होता है, एग मार्क क्या होता है।
और स्टैम्प भी है ये कंपनी की, जैसे हाँ ए जी एम एगमार्क का मतलब क्या है? ए जी एम ए आर के एगमार्क का एक एफ एस एस ए आई है, ठीक है ना, एफ एस एस ए आई है, एफ एस एस ए आई और एगमार्क, ये दोनों चीजें हैं, कोई बताओ क्या है एगमार्क? आपके एग्रीकल्चर के साथ ही है ना ये, यस सर। एग्रीकल्चर ए जी से एग्रीकल्चर, और मार्क का मतलब मार्क, एग्रीकल्चर मार्क लगाना उस पे, ठीक है ना, ठप्पा लगाना जिसको बोल देते हैं एग्रीकल्चर मार्क, एग मार्क। तो ये जो आप मार्केटिंग होती है जो जैसे वीट ग्रेन से इसकी मार्केटिंग, तो उस पे एग मार्क का निशान लगा होता है, मतलब एक अथॉरिटी है जो उसको एग मार्क, वो इसलिए उसको लगाती है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्रेन के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, ये मतलब एज पर स्टैंडर्ड इसकी जो क्वालिटी है जैसे वीट की, ठीक है ना, तो उसके बैग के ऊपर जो बैग होगा उसके ऊपर एग मार्क का निशान होगा, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। और जो एफ एस एस आई है, एफ एस एस आई आजकल हमने आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ आप पैकेट लेते हो तो उसके यस ऊपर सर। एफ एस एस ए आई लिखा होता है। तो क्या होता है एफ एस एस ए आई? फूड, आगे क्या है, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एफ एस एस ए आई। अभी आप देखो कोई भी आप छोटा पैक कोई भी लेते हो, जैसे ये कोई जो आजकल खाने वाले को कुरकुरे ही लेते हो, या कोई दाल का पैकेट ले लेते हो, सेवियों का पैकेट ले लेते हो, तो उसके ऊपर एफ एस एस ए आई लिखा हुआ है। तो मतलब एफ एस एस ए आई का आपको मार्क लेना पड़ता है, कोई भी जो मैन्युफैक्चर करती है फूड प्रोडक्ट जो प्रोसेस्ड करके बनाती है, तो उसको एफ एस एस आई का मार्क लेना पड़ता है। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर कि जो मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट की, ठीक है ना, अगर आपने माल को वो बेचेगा तो उसको एग मार्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों में फर्क है, वो प्रोसेस्ड है, ये प्रोसेस्ड नहीं है, एग मार्क जो है फूड प्रोसेस्ड नहीं है। तो ये जो है ये मैं आपके इसके साथ ही लिंक्ड है मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग के साथ, ठीक है, ये हम एक डिस्कस करेंगे कि एग मार्क क्या होता है, इसका व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। तभी आपका जैसे अभी मैं बताऊं आपको कि एफ एस एस ए आई जो ये डिपार्टमेंट है, एफ एस एस आई इसको कहते हैं फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, ये जो क्वालिटीज देखते हैं फूड की, ठीक है ना, इन्होंने अभी क्या कह दिया है कि अभी ये मैं आ रहा है ना फेस्टिवल सीजन आ रहा है अभी, मतलब नवरात्रे शुरू होंगे, फिर ये दशहरा वगैरह आएगा, फिर दिवाली आएगी, दीपावली, तो लोग स्वीट्स खाएंगे, ठीक है ना, लेंगे ही अब मार्केट से, तो इन्होंने अभी क्या है इसमें, व्हाट इज द मेजर चेंज दे हैव मेड इन दैट जो स्वीट शॉप पे, ये मैंने शायद आपको बताया भी था, अब स्वीट शॉप से जो लेंगे स्वीट्स, तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी है स्वीट शॉप को एफ एस एस आई ने, कुछ है आपको, डू यू हैव एनी आइडिया? ये लेटेस्ट अभी हुआ है, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 1 अक्टूबर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नहीं है कोई एनी आइडिया डू यू हैव अबाउट इट? तो अभी क्या मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी आप स्वीट शॉप पे जाओगे तो वो जो स्वीट शॉप होगी उसके ऊपर जो ट्रे होती है, जैसे आप लड्डू लड्डू ले रहे हो या बर्फी ले रहे हो, तो ट्रे के बाहर ही लिखा होगा कि वहाँ लिखा होगा कि मतलब यूज बस बिफोर डेट। बिफोर, जैसे लिखा होता है यूज बिफोर, अगर डेट लिखी होगी मतलब उसकी एक्सपायरी डेट, कि आपको इस डेट से पहले पहले इसको यूज करना है, मतलब मींस कि दैट शुड बी दी फ्रेश वन, मतलब उसके, क्योंकि अभी क्या होता था कि उसके ऊपर ये जो स्वीट्स वाले थे, ये कोई भी आपको स्वीट्स दे देते हैं और इसमें काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है ना, और फ्रिज में पड़ा रहता है पता चलता नहीं है, बड़े बड़े फ्रीजर से रखे हुए हैं उसमें, लेकिन वो पैकेट के बाहर उसको, जहाँ उसको जो ट्रे है उसके बाहर उसको लिखना पड़ेगा, और अगर वो नहीं लिखता, सपोज कर लो ये यू नोटिस कि ये इसने नहीं लिखा हुआ, तो यू कैन रिपोर्ट टू दी, जैसे पठानकोट में एफ एस एस आई है तो उसका आप नेट पे जाके उनका है नंबर वगैरह,
सो यू कैन मेक द कंप्लेंट फॉर दैट. और अगर आपको यू टेक दी स्वीट्स एंड आफ्टर दैट इट गेट्स कि आपने नोटिस किया कि ये ख़राब है, ठीक है ना, तो आप उसकी कंप्लेंट करके उससे पैसे भी ले सकते हो और उसकी कंपनसेशन भी ले सकते हो. यू कैन टेक दी कंपनसेशन फॉर दैट कि मेरी हेल्थ का ये खाने से, आप चाहे 50,000 लो, 60,000 रुपया लो, क्लेम उसके ऊपर डाल सकते हो. तो ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज दी लेटेस्ट वन. अगर आपको कभी भी, अभी FSI यही है कि अगर आपको कुछ भी खाने से, किसी चीज़ को खाने में प्रोडक्ट से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, इमीडिएटली आपको पता चल जाता है, तो यू कैन क्लेम, यू कैन हैव द क्लेम फॉर दैट. आपको उसके पैसे तो मिलेंगे जो आपकी चीज़ खरीदी आप निकली है, प्लस आपको क्लेम भी उसमें, कंपनसेशन भी मिलेगी. आप उसमें क्लेम भी डाल सकते हो कि मेरा जी, मेरे को तो नुकसान हो गया, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, मेरे को 50,000 रुपये, 1,00,000 का ये क्लेम दो. समझ गए ना ये? तो ये अभी आपने, वैसे तो मैं आई सजेस्ट यू कि यू शुड नॉट टेक दी स्वीट्स फ्रॉम दी स्वीट शॉप, जितना भी हो घर में बनाओ. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस स्वीट्स अभी, ठीक है ना. तो इवन देन क्या है कि मैं तो बिकॉज दे कैन नॉट मतलब स्टॉप दिस डीलिंग ऑफ द स्वीट शॉप. ये थोड़ा कि स्वीट शॉप बंद कर देंगे वो, है ना. गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लाइन. तो अभी भी आपने देखा है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑन दिस अनलॉक, जो अभी 5 अनलॉक हुआ है, एवरी थिंग हैज बीन ओपन, ठीक है ना. कोई चीज़ उन्होंने बंद नहीं रखी अब. तो दिस डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू हैव टू सेव योर सेल्फ. अभी तो ये हो गया कि ये कोविड सेंटर जो चिंतपूर्णी में था, तो ऑल कोविड सेंटर जितने भी थे, गवर्नमेंट हैज स्टॉप, मतलब उनकी फंक्शनिंग बंद कर दी है. तो मतलब गवर्नमेंट ने आपके ऊपर छोड़ दिया. नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ. आपको सेफ कैसे रखना है, ठीक है ना. तो मतलब आपको घर में क्वारंटाइन होना है. घर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे बेस्ट यही है कि टू टेक केयर योर हेल्थ. मास्क जो आप पहनो, डिस्टेंस मेंटेन करो, और लेकिन काम सारे करने पड़ेंगे. अभी आप देखो थिएटर खोल दिए हैं, एवरी थिंग हैज बीन ओपन थिएटर. मैं उस दिन वहाँ पे बाजार में गया हुआ था, तो ये जो सिटी मॉल है जिसको बोलते हैं, गांधी चौक के पास है, तो आई वॉज वेरी मच एस्टोनिश टू सी देयर द ट्रैफिक. मतलब पार्किंग मैंने देखा वो, दैट वॉज ऑन द रोड. तो मैंने फिर बाद में आई नोटिस दैट कि दैट फ्रॉम 1st of October द थिएटर्स हैव बीन ओपन, तो ये लोग पिक्चर देखने आए हैं. तो मतलब लोग तो ये है कि दे आर नॉट केयरिंग फॉर देयर हेल्थ. मतलब उनको तो है कि कोई चीज़ खुल नहीं चाहिए, तो दे आर वेटिंग फॉर दैट कि वी शुड एन्जॉय, ठीक है ना. और लेकिन जब ये स्कूल और कॉलेजेस की बात आ जाती है, तो देन द पेरेंट्स आर अपोजिंग इट, कि कहते हैं जी नहीं, स्कूल नहीं खुलने चाहिए, कॉलेजेस नहीं खुलने चाहिए. तो वाई दिस थिएटर्स शुड बी ओपन, ये मेरा उनको क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो जब वो खुल सकते हैं तो वहाँ देर इज नो सोशल डिस्टेंस, देन वाई दिस कॉलेजेस कैन नॉट बी ओपन, ठीक है ना. तो ये भी तो है, दिस इज द क्वेश्चन. लेकिन ये है कि चलो दैट इज द पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. तो ये है कि जब ये चीज है, तो अभी क्या है कि आपके ऊपर छोड़ दिया, तो यू शुड टेक केयर ऑफ इट. ये अभी दूसरी बात ये है, क्योंकि आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ. क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा इस चीज को कि नाउ द फेस्टिवल सीजन इज कमिंग, ठीक है ना. आप देख रहे हो ये नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे, तो मतलब है कि रश हो जाएगा मार्केट में. तो मार्केट में रश हो जाएगा, दूसरा ये सीजन ऐसा आ रहा है, देयर इज सम चेंज इन क्लाइमेट. तो ये जो वायरस है, ये जो मैं उस दिन एम्स का पढ़ रहा था, एम्स के डॉक्टर का, जो मिस्टर गुलेरिया इज देयर, जो इसका डायरेक्टर है, ये जो एम्स है, एम्स जानते हो ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये जो हमारा दिल्ली में है, वन ऑफ द प्राइम मेडिकल इंस्टीट्यूट है. इसका जो डायरेक्टर है, दैट इज 61 years old, मैं ये उसमें पढ़ रहा था ट्रिब्यून में. और उसका फादर भी अभी स्टिल इज फादर इज अलाइव, ही इज 92 years old. ये यहाँ के ही है, कांगड़ा के. तो मैं उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो फादर भी उसी का ही डायरेक्टर था एम्स का. तो ही इज 92 years old, और वो 61 years old था. अगर उसको आप 92 years old को देखो, तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड टू सी हेल्थ. उसकी हेल्थ मैं देख के, मैं तो कमाल मैं देखा कि ही हैज मेंटेन सो मच गुड ऑफ हिज हेल्थ, कि आपको देख के आपको पता नहीं चलेगा कि वो 92 years old है. तो मतलब ही वॉज मतलब दे वर सजेस्टिंग कि अगर क्योंकि नाउ द पीक इज कमिंग, कहते अभी पीक हुआ नहीं है, पीक आएगा, क्योंकि ये सब कुछ खोल दिया है. तो खोलना गवर्नमेंट की मजबूरी है,
क्योंकि बिजनेस को बंद नहीं कर सकते ना, दैट इज देयर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द इकॉनमी ऑफ द कंट्री शुड ग्रो, तो इसलिए उन्होंने ये किया है। तो लेकिन कहते कि यू हैव टू टेक योर केयर ऑफ योर हेल्थ, फेस्टिवल सीजन, दिस वायरस विल अगेन स्प्रेड, ठीक है। तो वायरस अगर फैलेगी, क्योंकि लोग रश हो जाएगा, सब लोग आपस में मिलेंगे गिलेंगे, तो इसलिए ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इसका अभी प्रिकॉशन लेना है। दूसरा ये एक चीज मैं बता दूं जो आपके साथ ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये दिस इज आल्सो रिलेटेड टू योर हेल्थ आल्सो, कि ये जिसको एक को किसी को वायरस हो जाता है, ठीक है ना, किसी को, जैसे बहुत से लोग हैं जिनको ये हुआ है, तो दे हैव रिकवर्ड आल्सो, लेकिन जब व्हेन ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपके एंटीबॉडीज अंदर क्रिएट हो जाते हैं। एंटीबॉडीज तो आप समझते हो ना, एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज, ऐसे तो आपके एंटीबॉडीज ऑटोमेटिकली, ये नेचुरल सिस्टम है, जब आपको कोई भी बुखार आता है तो आपके अंदर एंटीबॉडी क्रिएट होते हैं, तो वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, WBC। तो WBC जिसके ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा भी WBC होंगे तो इवन देन दैट इज डेंजरस फॉर दी हेल्थ। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं इस पर्टिकुलर वायरस में अंदर, बाकी जैसे बीमारियों में जो एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं तो दैट रिमेन्स फॉर एवर, लेकिन इसमें है कि ये सिर्फ 3 महीने के लिए रहता है, जो है आपके इस वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज क्रिएट हुए हैं वो 3 महीने के लिए रहेंगे। 3 महीने के बाद वो एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगे, तभी तो हो रहा है कि बाकी कंट्रीज में सेकेंड फेज भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जिनको हुआ था उनको दोबारा होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस सर्कल में से कब निकलोगे, नोबडी नोज अबाउट इट, गॉड नोज जिसने इसको लाया है, कि हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा, जहाँ हो सकता तब तक कुछ और ना आ जाए, क्योंकि मैं तो नेगेटिव थिंकिंग का आदमी हूँ हमेशा, मेरे को पता है कि क्या क्या कुछ होना है, हाउ मच चैलेंज यू हैव टू फेस इन योर लाइफ जो आगे आएंगे। तो दैट इज नॉट माई फील्ड कि आपको मैं ये चीज़ें बताऊँ। तो नाउ कमिंग टू जो मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा रहता है कि मैं आई शुड टेल यू समथिंग अबाउट दिस, कि वट इज हैपनिंग रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड रिगार्डिंग अदर एस्पेक्ट्स इन द मार्केट। तो अभी हम क्या है कि वी विल डिस्कस दिस हार्वेस्ट, मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन, आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्क्रीन ऑल्सो। तो ये है, ये दिस इज़ दी हार्वेस्टिंग, ये आपका, ये यू आर मतलब इट इज क्लियर ना, क्लियर टू यू हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो यस ये इसमें वन बाय वन दिस दे, इसमें जो कंटेंट है उसमें है, वन इज इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग सिस्टम, व्हेन टू हार्वेस्ट, ठीक है ना, पर्टिकुलर क्रॉप जैसे इसमें मेरिकल जो ज़्यादा दिया राइस का ही दिया, व्हेन टू हार्वेस्ट, देन हाउ टू हार्वेस्ट, टेक्नोलॉजी ऑप्शंस हैं कि किस कैसे काटना है। जैसे आजकल इसमें हार्वेस्टिंग के ऊपर ही बहुत है कि हाउ यू शुड हार्वेस्ट, आपको सुपर मैनेजमेंट सिस्टम लगाना चाहिए, बोल रहे हैं ना आजकल जो हार्वेस्टर है, जो जैसे इसकी राइस की जो कटिंग की है, तो उसमें SMS लगना चाहिए हार्वेस्टर। SMS से क्या होता है कि वो उसको काट के उसको साथ में बेल्स बना देता है, उसको चॉप कर देता है और उसमें फैला देता है उसको, जो आपकी पराली है, तो देन हार्वेस्ट लॉसेस है, फिर रिकमेंडेशंस हैं, ये एक तरह के इसमें कंटेंट्स हैं ये दिए हुए। देन ये देखो इसका इंट्रोडक्शन है हार्वेस्टिंग, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ये तो है ही आपको पता कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द मच्योर राइस क्रॉप फ्रॉम द फील्ड, कभी राइस ही चल रही है ना, तो ये हार्वेस्टिंग का तो ये सबको पता ही है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि हार्वेस्टिंग है। तो फर्स्ट इज कटिंग, कटिंग दी पेनिकल्स एंड स्ट्रा, पेनिकल्स वही होते हैं, पेनिकल्स क्या होते हैं, जो सिट्टे होते हैं जिसके अंदर राइस है, ठीक है ना, उसी को कहेंगे ना, अब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो राइस के, तो कटिंग दी पेनिकल्स एंड स्ट्रा, एंड हाउलिंग, HAULING, हाउलिंग क्या है, मूविंग दी कट क्रॉप टू दी थ्रेशिंग लोकेशन, इसको हाउलिंग कहते हैं। तो मतलब जैसे क्रॉप को आपने कट कर लिया, फिर जहाँ उसको थ्रेशिंग करनी है, लेकिन आपके जो हार्वेस्टर कंबाइन है उसके साथ ही थ्रेशिंग हो जाती है, इसलिए इसको मूव नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर हम मैनुअल वे से करें, ठीक है ना,
समझ रहे हैं ना ये बात? ये अगर हम इसको मैनुअल वे से करेंगे तो देन हॉलिंग है कि मूव करना क्रॉप को, जैसे आप हाथ से काटा है तो हाथ से जब काट के, जैसे आपके एरिया में तो हाथ से ही काटते होंगे, जैसे इधर दाल ब्लॉक वगैरह में, तो जब उसको काट के तो फिर लोकेशन में ले जाते हैं जहाँ पे उसकी थ्रेशिंग करनी है। जैसे मैं जब छोटे थे तो हम देखते थे थ्रेशिंग हाथ से ही करते थे, ठीक है ना? हाथ के वो एक वुडन प्लैंक जो होता है उसके ऊपर उसको मारते थे, उसके दाने निकल आते थे। तो मूविंग द कट क्रॉप टू द लोकेशन, देन इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज सेपरेटिंग, ये तो पता ही है, सेपरेटिंग द पैडी ग्रेन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कट क्रॉप, ये बड़ा ईजी है। देन क्लीनिंग, ठीक है ना, रिमूविंग इमेच्योर अनफिल्ड एंड नॉन ग्रेन मटीरियल, तो ये उसमें है क्लीनिंग। देन फील्ड ड्राइंग, ये जो ड्राइंग भी आपके इसमें दिया हुआ है कि उसको ड्राई करना है, तो इसका है कि लीविंग दी कट दी फील्ड एंड एक्सपोजिंग इट टू दी सन। देन इज ये पिलिंग है, पिलिंग ऑप्शन, ये कुछ ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पिलिंग। देन कमिंग टू दिस, ये गुड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस, ये अभी आप, आपको ये क्लियर है ना? अब यू आर मतलब व्यूइंग इट ना क्लियरली, यस सर, है ना? अब ये देखो गुड हार्वेस्टिंग ओके प्रैक्टिस, इसमें लिखा है कि गुड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस क्या होगी, एट हार्वेस्ट द क्वालिटी ऑफ द राइस इज बेस्ट, फ्रॉम देन ऑन इट कैन डिटियोरेट क्विकली। मतलब जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो उस टाइम राइस की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होगी, लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाएगा तो उसकी क्वालिटी ड्यूटेरेट होती जाएगी। तो हीट बिल्ड अप फ्रॉम मोल्ड एंड इंसेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना? तो मतलब है कि जो इंसेक्ट्स उसमें डेवलप हो जाएंगे, देन डिसकलरेशन जेलिंग फ्रॉम हीट बिल्डअप, तो मतलब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी ज्वेलिंग आप मतलब जो चावल है वो जेलो होने शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज क्रैकिंग फ्रॉम रीवेटिंग ऑफ ड्राइड ग्रेन्स, उनकी क्रैकिंग होनी शुरू हो जाएगी, ये मतलब उसको बता रहा है। देन लॉस ऑफ विगर, विगर होता है जो उसकी एक्चुअल लस्टर है, जो लस्टर उसकी लुक है वो खत्म हो जाएगी। रिड्यूस्ड हेड राइस जील्ड, तो मतलब जो जील्ड है उसकी कम हो जाएगी। तो ये है गुड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस। देन सिस्टम, ये जो मैंने बताया था कि मैनुअल, आप देखो ये जो सिस्टम है हमारे, ये मैनुअल है, ये जिसको ये देखो मैनुअल काट रहा है, ये जो मैंने एरो किया है, ठीक है ना? मैनुअल मैनुअल ऑपरेटेड समटाइम यूजिंग टूल्स, जैसे उसको सिकल के साथ काटते हैं। फिर लेबर रिक्वायरमेंट 48% डेज पर हेक्टेयर, तो मतलब हमें अगर लेबर से करना है, जैसे आपके इधर एरिया में चाहिए तो लेबर मतलब 48 लोग चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। 48% डेज, 48% डेज पर हेक्टेयर, मतलब 48 आदमी नहीं चाहिए। ये जो ये लिखा है इसका मतलब समझ रहे हो आप? ये 48% डेज है, 48 मतलब टोटल, जैसे एक 7 घंटे लगाते हैं तो एक आदमी 7 या 8 घंटे लगाता है, तो टोटल उसको फिर 6 आदमी चाहिए, ठीक है ना? 48% पर डे। तो देन इज हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये थे ना हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसमें आ गया मैनुअल कटिंग, मशीन थ्रेशिंग, और दूसरा है कि मीन में जो मशीन थ्रेशिंग है उससे भी होता है, लेबर से भी होता है, मतलब मैनुअल। तो देन इज ये है हार्वेस्टिंग सिस्टम, मशीन कटिंग, मशीन थ्रेशिंग, ये इसी में दिया है। कैपेसिटी रीपर, देन कैपेसिटी थ्रेशर, कैपिटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट, ये अपने ने तो कोई इतना नहीं है, दिस इज नॉट मतलब रिक्वायर्ड फॉर यू। तो नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये कंबाइन हार्वेस्टिंग जो आजकल जो आपका जो चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना? यही है ना आजकल, ये मैनुअल सिस्टम तो बहुत कम है, ये आपने देखा ना, वहाँ भी आपने देखा था जब किसान मेले में गए थे, तो ये कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर का मतलब यही है कि इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो आपका हार्वेस्टर है, हार्वेस्टिंग है, और दूसरा आपका कंबाइन थ्रेशिंग, है, या मतलब कंबाइन यस ऐसा मतलब कटिंग भी है और थ्रेशिंग भी है, इसी तभी इसका नाम ये दो है, मतलब ये कटिंग भी कर रहे हैं और थ्रेशिंग भी कर रहा है। तो ये कहते हैं कि कटिंग, हॉलिंग, थ्रेशिंग, क्लीनिंग इन वन कंबाइंड ऑपरेशन, और साथ में ये क्लीनिंग भी कर रहा है, ठीक है ना? ये जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये दोनों चीजें कर रहा है ना, कटिंग भी कर रहा है, हॉलिंग भी कर रहा है,
तो कैपेसिटी इसकी है 0.5, मोर देन 0.5 हेक्टेयर पर एवर, मतलब आधा हेक्टेयर एक घंटे में ये जो हार्वेस्टर है, एक हेक्टेयर मीन्स 2.5 एकड़ लैंड होती है, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ लैंड जो है वो मतलब आधी मीन्स की 1.25, ये एक घंटे में इसको कवर कर जाता है। अगर हाथ से करें तो बड़ा टाइम लगता है। देन लेबर रिक्वायरमेंट, वन ऑपरेटर, इसमें एक ऑपरेटर चाहिए, ठीक है ना। तो कैपिटल कॉस्ट ये लिखी है 2.5 लाख रुपया उसके हार्वेस्टर की लिखी है, तो ये नहीं कोई आपका। देन वेन टू हार्वेस्ट, ये मेन चीज़ है, ये सबसे बड़ी जो बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि जब आपको क्रॉप को हार्वेस्ट करना है तो वेन यू हैव टू हार्वेस्ट, आप कैसे पता चलेगा कि ये अभी हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेंगे। आपने देखा कि वो उसके दाने तो पीले पड़ जाते हैं ना, जो ऊपर से स्ट्रा पीला हो जाता है, ऊपर से जो उसका हस्क है वो भी पीला हो जाता है। तो इसमें है कि जब 20 से 25% ग्रेन मॉइस्चर हो, अगर ग्रेन मॉइस्चर नहीं रहेगा, अगर बिल्कुल ही उसमें सूख जाएगा, तो हार्वेस्टिंग के टाइम और थ्रेशिंग के टाइम वो दाने टूट जाएंगे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि 20 से 25% ग्रेन मॉइस्चर चाहिए, ये आप नोट कर लो कि वेन टू हार्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट इज 80 से 85% स्ट्रा कलर्ड, ठीक है ना। तो मतलब 80 से 25% जो स्ट्रा है वो पीला पड़ जाता है, मतलब थोड़ा सा बाकी ग्रीन रहता है। आपने देखा होगा कि सारे का सारा पीला नहीं होने देना, 80 से 85% आपने होने देना, बाकी का जो है आपको उसको स्ट्रा को ग्रीन रहने चाहिए। नेक्स्ट इज द ग्रेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द पेनिकल आर इन द हार्ड डोर स्टेज, द ग्रेन्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द पेनिकल, तो मतलब है उसका, इसका कहने मतलब है कि पेनिकल जो ऊपर सिट्टा होता है जिसके अंदर ग्रेन्स, आपने देखा कि ये जो पेनिकल्स हैं ये है ना, इसके पेनिकल्स ये वाले, ये जो है ये पेनिकल्स जो हैं, द ग्रेन्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द पेनिकल्स आर इन द हार्ड, तो मतलब जो लोअर पार्ट में जो उसके ग्रेन्स हैं वो सख्त हैं। तो 30 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, ये है नेक्स्ट इज। तो ये है मैनुअल कटिंग एंड हॉलिंग, ये इसमें बताया है, ये सिकल से करता है, ठीक है ना। तो ये उसके मैनुअल के है इसमें, क्योंकि हमें करेंगे नहीं मैनुअल का तो अभी जमाना ही नहीं रहा। तो मैकेनिकल रीपिंग, ये मैकेनिकल रीपिंग भी ऐसे भी करते हैं, ये जस्ट उसको काट रहा है, ये कंबाइन हार्वेस्टर नहीं है, ठीक है ना, ये अकेला सिर्फ काटने वाला ही है, जैसे दातरी से ना काट के, सिकल से ना काट के, मैकेनिकल रीपिंग है। तो इसमें इसने कैपेसिटी बताई है 2 से 4 हेक्टेयर्स पर डे। एडवांटेज है फास्ट कटिंग हो जाती है, अगर आप सिकल से काट रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्लेसेस क्रॉप इन विंडो बैक इन द फील्ड, प्रॉब्लम्स विद लॉस्ट क्रॉप, ठीक है ना। इसमें ये कह रहा है कि जो आपने देखा कि जब बारिश पड़ जाती है और बारिश कर पड़ गई, तो उसमें ये हम रीपर नहीं चला सकतेंगे क्योंकि वो क्रॉप खड़ी नहीं है ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। फिर गया कि कम्प्लेक्स कटर बार एंड कन्वेइंग मशीन मैकेनिज्म, ये है कि ये इसका है कि जो कटिंग वो करता है उसका कम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है ना, वो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये है नेक्स्ट इज मैनुअल थ्रेशिंग। आप उसके बाद में मैनुअल थ्रेशिंग जो मैंने ये बताया था कि ये जो हम जब हम थे इन चाइल्डहुड, तो हम ये देखते थे कि ऐसे देखो ये मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द, अभी भी आपके कुछ एरिया में, इधर जो हिमाचल का एरिया है उसमें मैनुअली करते हैं क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर वहाँ चल नहीं पाता, ठीक है ना, थ्रेशर की भी प्रॉब्लम है। तो ये जो है दिस इज दी मैनुअल थ्रेशिंग, अप्रोक्सीमेटली 15% पर डे पर हेक्टेयर, ये उसमें लिखा है थ्रेशिंग बाई, ठीक है ना, हाई शटरिंग लॉसेस। आप इसमें ये देखो, ये मेन चीज़ है, हाई शटरिंग लॉसेस मतलब जब इसके जो दाने निकलते हैं वो लॉस हो जाता है, कई जो दाने हैं वो जमीन पे पड़ जाते हैं, उनको कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, प्री ड्राइंग माइट बी नीडेड। तो मतलब इसमें है कि आपको, क्योंकि ये हाथ से करना है तो आपको पहले उसको सुखाते हैं, आपने आपने देखा होगा जो काटने के बाद इसको फील्ड में छोड़ देते हैं फॉर ड्राइंग, कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब इसको काटते हैं तो देन दे स्प्रेड इन दी फील्ड, क्योंकि ये ड्राई हो जाएंगे, जो ड्राई होंगे तो तभी थ्रेशिंग होगी ना मैनुअल, वैसे तो होगी नहीं, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। देन इस ये पैडल थ्रेशर है, या ये थ्रेशर्स है कि जो थ्रेशर जो थ्रेशिंग करते हैं, जो मशीन्स हैं वो कैसे कैसे, ये पैडल थ्रेशर्स है। तो नेक्स्ट ये है एक्सल फ्लो थ्रेशर, ये अलग अलग हैं,
ये आप देख रहे हो, ये मतलब जो है ये अभी आपने पता नहीं उसमें पढ़ा था कि नहीं, जो आपका फार्म पावर एंड मशीनरी में था कुछ ऐसा, ये थ्रेशिंग के बारे में बताओगे नहीं, कुछ? नहीं ऐसा नहीं था? मुझे। और डिफरेंट थ्रेशर्स में क्या कोई हो? तो ये जो थ्रेशर्स हैं मतलब जिसमें सिर्फ थ्रेशिंग ही हो रही है, इसमें कंबाइन नहीं है, कंबाइन हार्वेस्टर नहीं है ना, इसमें जैसे वीट की भी थ्रेशिंग करते हैं, इसका भी जो थ्रेशिंग का ये इसका बनाया हुआ, ये पेडलर टाइप है, ये सॉरी ये एक्सल है, एक्सल फ्लो। और फिर देन ये आ गया बात जो इसकी मैं बात कर रहा था, विनोइंग, ये आपके इसमें है ना, मतलब आपने हार्वेस्टिंग कर ली, थ्रेशिंग कर ली, देन इज दी विनोइंग। ये देखो ये लेके जो छज्जा है इसको बोलते हैं, ये जो सिस्टम है इसके साथ उसकी विनोइंग कर रहे हैं। तो ये मैनुअल सिस्टम है, प्रिंसिपल लाइटर मटेरियल आर ब्लोन अवे बाय एयर, इसका मतलब है कि लाइटर जो मटेरियल उसके अंदर गंदगी होती है उसको हवा से ऊपर से छांटते हैं तो वो बीच में से निकल जाता है। रिमूव चैफ, चैफ होता है जब आपने थ्रेशिंग की तो उसके बीच में कई जो जिसको कख कहते हैं आ जाते हैं, पराली का कुछ पार्ट मतलब जो सॉरी इसके जो स्टेम पार्ट है ड्राई वो आ जाते हैं, चैफ वही है ना, स्ट्रा एंड एम्प्टी ग्रेन्स, और कोई दाने जो भरे हुए नहीं है वैसे ही है सूखे जो मतलब श्रिवल्ड ग्रेन्स है, तो वो उसमें आ जाएंगे। तो हैंड और मैकेनिकल विनोइंग, तो मतलब विनोइंग जो है दो तरह की है, हैंड और मैकेनिकल, तो डज नॉट वर्क फॉर मटीरियल्स हैवियर ग्रेन्स। तो ये है, नेक्स्ट इज क्लीनिंग, ठीक है ना, ये फिर आपका क्लीनिंग है, वो विनोइंग थी, ये क्लीनिंग है। तो कंबिनेशन ऑफ फैन एंड ये लगे होते हैं क्लीनिंग का, अगर आप वहाँ पे मार्केट में जाओ ना, ये जो ग्रीन मार्केट्स हैं तो उसमें ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये क्लीनिंग, ठीक है, उसमें ब्लोअर लगे होते हैं, उसमें से ये नीचे ये को नीचे मोटर लगी हुई है और ये ब्लोअर लगा होता है, इसमें से जो जितना भी कुछ मिट्टी वगैरह कुछ भी होती है तो वो उसको साफ कर देता है। कंबिनेशन ऑफ फैन ऑसिलेटर सीवर, सीवर उसमें जो होती है एयर डिलीवरी बाय फैन, फैन से उसकी एयर डिलीवरी होती है, रिमूव्स लाइटर मटेरियल, फिर टॉप सीव्स विद लार्ज होल्स रिमूव लार्ज स्ट्रा पार्टिकल्स, ठीक है, और फिर बॉटम सीव्स विद स्मॉलर, ये मतलब अलग अलग तरह की सीव्स होती हैं जो कि सारा उसको बिल्कुल जो आपका फिर जो राइस है जो उसको बिल्कुल क्लीन करके बाहर निकालता है, तो जो तभी तो उसकी, नहीं तो जो गवर्नमेंट है उसको परचेज नहीं करती, वो कहती है कि इसको क्लीन करो, तो आपको कई बार वो मॉइस्चर कंटेंट भी देखती है, जब आप ये फार्मर लेके जाता है तो जहाँ वो एग्रीकल्चर के जो लोग होते हैं वो मॉइस्चर कंटेंट भी देखते हैं ग्रेन्स का, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है पर्टिकुलर जैसे व्हीट ग्रेन है तो वो उसको परचेज नहीं करेंगे, दे विल से दैट लेट इट बी ड्राइड, ठीक है ना, क्योंकि वो इसलिए नहीं करते कि जब उसको वो स्टोर करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट मतलब बैन ऑन दैट कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे इसको, तो ये इसलिए इसको ये है कि इसका क्लीनिंग क्या है। देन इस ये कंबाइन हार्वेस्टर है जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये आजकल यही है जो कंबाइन हार्वेस्टर जो काम करता है, मोस्टली दोनों काम करता है ना, ये पहले दोबारा रिपीट हो गया ना, और ये है स्टेपर हार्वेस्टर, ये इसकी तो हमारे नहीं है ज़्यादा इसकी, ये आप देख रहे हो कि ये एक्चुअली स्ट्रिप में कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रिप में हार्वेस्टर एक पर्टिकुलर जो बैच है उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं फिर दूसरे को कर रहे हैं, तो ये दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉट यूजफुल इन आवर एरिया, ठीक है। तो लॉसेस ड्यूरिंग कटिंग, तो जब आप कटिंग करते हैं तो लॉसेस क्या होते हैं, एक तो शटरिंग लॉस है, ये मैंने बोला कि दाने जो नीचे गिर जाते हैं, फिर लॉजिंग लॉस है जो मतलब क्रॉप्स लॉज हो जाती हैं जब से कोई आ गई है मेन आपका कोई उसका रेन आ गई है तो उससे जो लॉस हो जाएगा, देन स्टैंडिंग क्रॉप लॉस, स्टैंडिंग प्लांट्स विद मच्योर ग्रेन्स आर लेफ्ट स्टैंडिंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो एक मिनट इनका फोन आ रहा है, एक मिनट, हेलो,
हाँ बताओ क्या है। हाँ गुड मॉर्निंग। पता नहीं अब मैं भी यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मैं देखता हूँ उनके कोई कोई नेट की प्रॉब्लम है कुछ, कहते हैं कुछ ऐसा है मैं दे। हाँ अच्छा, चलो मैं भी ये क्लास ले रहा हूँ ना अभी, मेरे को भी कोई पता नहीं है अभी है ना। हाँ चलो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि क्या है प्रॉब्लम उनकी है ना। ओके ओके। तो ये है लॉसेस ड्यूरिंग थ्रेशिंग एंड सेपरेशन, ब्लोअर लॉस, मैच्योर ग्रेन्स दैट आर मिक्स्ड विद स्ट्रॉ आर चाफ ड्यूरिंग दी क्लीनिंग ऑपरेशन। ये मतलब सारे लॉसेस हैं, जो लॉसेस कौन कौन से होते हैं। फिर ये स्कैटर लॉस है, मच्योर ग्रेन्स दैट आर स्कैटर्ड ऑन दी ग्राउंड, जो मैंने बताया था ड्यूरिंग दी थ्रेशिंग एंड क्लीनिंग ऑपरेशन। देन थ्रेशिंग लॉस, जब आप थ्रेशिंग करते हो तो तब भी लॉसेस होते हैं। तो ये सारे लॉसेस हैं ड्यूरिंग थ्रेशिंग, लेकिन ये जो आपका कंबाइन हार्वेस्टर है उसमें ये लॉसेस नहीं रहते। तो देन रिकमेंडेशंस फॉर ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी, तो मतलब ये रिकमेंडेशंस हैं कि आपको अपनी उसकी क्वालिटी कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, मैक्सिमम आपको अपनी जो ग्रेन्स हैं उसकी क्वालिटी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो ये अभी देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको मार्केट में आपको ये अपना प्रोड्यूस लेके जाना है तो आपको ये सब चीज़ें इंश्योर करनी है, क्योंकि नहीं वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, डिले हो जाता है आपकी परचेजिंग में, ठीक है ना। फिर आपको रेट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता, वो कहते हैं जी आपके इतना मॉइस्चर है तो हम आपको रेट इसका कम देंगे, या आपके ग्रेन्स की क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है ना। जो उन्होंने रेट रखा होता है वो गुड क्वालिटी ग्रेन्स का ही रखा होता है, अगर पुअर क्वालिटी ग्रेन्स होंगे तो फिर आपको वो रेट नहीं मिलेगा। रेट आपको जैसे आप परचेज करते हो मार्केट में कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या कोई भी करते हो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसको रेट थोड़ा लोगे वो वाला। तो ये सेम थी फार्मर के साथ है, तो उन्होंने कहा है कि आपको फिर क्या करना चाहिए, व्हाट द प्रिकॉशन यू शुड टेक, ठीक है ना। तो फर्स्ट है कि हार्वेस्ट एट द राइट टाइम, कि जो जैसे हम टाइम होता है हार्वेस्ट का राइट टाइम है, जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि 80 से 85% जब उसके येलो हो जाते हैं और जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट 20 to 25% होता है राइस में, तो तब उसको हार्वेस्ट करना है। तो ये है हार्वेस्ट एट द राइट टाइम एंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। यही जो चीज़ मैंने कही है कि जब मॉइस्चर कंटेंट 20 से 25, अवॉइड स्टैकिंग द कट क्रॉप इन द फील्ड, मतलब ये मतलब है कि जो आपने क्रॉप काट ली है उसको ज़्यादा देर फील्ड में नहीं रखना, ठीक है ना। अवॉइड स्टैकिंग द कट क्रॉप इन द फील्ड, अवॉइड डिले इन थ्रेशिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो मतलब आपको हार्वेस्टिंग और जो थ्रेशिंग है उसमें डिले नहीं करना, इमीडिएटली आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो उसकी थ्रेशिंग करनी है। यूज द प्रॉपर मशीन सेटिंग व्हेन यूजिंग ए थ्रेशिंग मशीन, तो आपको मशीन की प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, कई बार सेटिंग नहीं होती तो ग्रेन जो उसका वो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यूज द प्रॉपर मशीन सेटिंग और फिर क्लीन दी ग्रेन्स प्रॉपरली आफ्टर थ्रेशिंग, ये बड़ा मेन है कि ये जो क्लीन नहीं होगा तो यू विल नॉट फेच दी गुड प्राइस। अवॉइड डिले इन ड्राइंग आफ्टर थ्रेशिंग, अवॉइड डिले इन ड्राइंग आफ्टर थ्रेशिंग, मतलब थ्रेशिंग के बाद डिले नहीं करना, मतलब ज़्यादा देर उसको ड्राई नहीं करना, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा भी सूख जाएगा तो देन इट इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। तो देन कमिंग टू दी ये टिप्स फॉर मैनुअल थ्रेशिंग, ये मैनुअल थ्रेशिंग के टिप्स हैं ये, क्योंकि आजकल इतना है नहीं है थ्रेश, एज सून एज पॉसिबल आफ्टर कटिंग, ये भी है हैंड थ्रेश एट लोअर मॉइस्चर, ये भी है प्लेस ए लार्ज कनवास अंडर द थ्रेशिंग फ्रेम, एंड ये आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टिप्स फॉर मशीन थ्रेशिंग, ये जो है मशीन थ्रेशिंग के टिप्स हैं कि थ्रेश एज सून एज पॉसिबल आफ्टर कटिंग, ये वही है। फिर लेवल दी थ्रेशर, ये बड़ी मेन चीज़ है कि आपको जो थ्रेशर है उसको लेवल रखना है, नहीं तो आप देखते हो कि जैसे आपकी वॉशिंग मशीन्स भी हैं उसका अगर लेवल प्रॉपर नहीं है तो वो क्या करती हैं, देर इज वो उसमें वो कांपती रहती है ना, डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे क्या है कि मशीन के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है, नीचे आप जो कपड़े भी धो रहे हो तो
वो भी उसमें प्रॉपर वॉशिंग नहीं होती। तो मतलब यह है कि इसको लेवल करना है, ठीक है ना। सेट मशीन करेक्टली, ड्रम स्पीड्स इन थ्रेशर 600, ये कुछ आपके उसके साथ रिलेटेड है, इंजीनियरिंग के साथ। तो एयर फ्लो इन द क्लीनर, एंगल इन दी, तो ये मेरा सिर्फ ये आपको ये दिखाने का है कि ये डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट आपका जो प्रैक्टिकल है इसमें, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ठीक है ना, एंड देन ये क्लीनिंग, और सॉरी ये विनोइंग, ठीक है। तो ये था कि दिस इज रिगार्डिंग, अभी हम वी विल डिस्कस इन 5 और नॉट मोर देन 5-10 मिनट्स कि जो आपका एग मार्क है। अभी आवाज आ रही है ना मेरी? आर यू लिसनिंग मी? हाँ, तो जो एग मार्क है इसमें हम थोड़ा सा यही डिस्कस करेंगे। यू राइट डाउन अबाउट कि एग मार्क क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज एग मार्क? इसमें लिख लो कि एग मार्क सर्टिफिकेशन, एग मार्क AG, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको एग मार्क का मींस एग्रीकल्चर मार्क। पहले तो आप लिख लो कि AG मार्क, एग मार्क मींस एग्रीकल्चर मार्क। एग्रीकल्चर मार्क, तो इट इज ऑल्सो, ये हो गया, तो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज एग्रीकल्चर मार्क सर्टिफिकेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर मार्क सर्टिफिकेशन, सॉरी, एग्रीकल्चर मार्क सर्टिफिकेशन मेड ऑन ऑल दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेड ऑन ऑल दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेड ऑन ऑल दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ये एग्रीकल्चर मार्क लगाया जाता है। एग मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क, एग मार्क इज ए सर्टिफिकेशन मार्क अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सर्टिफिकेशन मार्क अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, इंश्योरिंग, ये मेन चीज है, इंश्योरिंग दैट दे अडहियर टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, इंश्योरिंग दैट दे एडहेयर टू ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो क्या जो दैट दे इंश्योरिंग दैट दे अडहेयर, अडहेयर ADHEYR, कि मतलब अडहेयर मतलब कि वो उस चीज को कंपाइल करें, इसका मतलब ये होता है, इंश्योरिंग दैट दे अडहेयर, ADHEYR, अडहेयर ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स established by the set of standards established by the directorate of marketing and inspection। मतलब ये जो directorate of marketing inspection है, ये standard उसके prescribe करेंगे। It is an attached office of the Department of Agriculture. It is an attached office of the Department of Agriculture Cooperation. ये डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर।
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्योंकि अभी आपको पता है कि जो सेंट्रल लेवल पे या किसी भी ये जो डिपार्टमेंट, जैसे आप कहते हो ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जैसे पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो अभी इसका नाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं रहा हुआ आपको ये, अगर कोई ये बड़ा, दिस इज़ द वेरी करंट, मतलब ये आपके नॉलेज के लिए है कि अगर आपको पूछ ले कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाम नहीं है अब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड फार्मर वेलफेयर, मतलब फार्मर वेलफेयर भी साथ में जुड़ा हुआ है, अकेला एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है ना? तो ये भी जो मिनिस्ट्री का नाम भी उन्होंने बदल दिया हुआ, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है। तो इट आल्सो कंप्लाइज विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट आल्सो कंप्लाइज विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, इट आल्सो कंप्लाइज विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट। प्रोड्यूस एक्ट कौन सा है? 1937 एंड 1937 एंड 1987 अमेंडमेंट, 1987 में अमेंडमेंट हुई है। बस आगे थोड़ा सा दो चार लाइनें लिखेंगे। इट इज ए मार्क अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज ए मार्क, ठीक है ना, अल्टीमेटली ये मार्क ही है ना, इट इज ए मार्क अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉर ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अश्योरिंग देयर गुड क्वालिटी अलोंग विद स्टैंडर्ड, गुड क्वालिटी अलोंग विद स्टैंडर्ड, दो चीजों को मतलब ये अश्योर करता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स विच आर ए जी, कैपिटल में लिखना है, विच आर ए जी एंड एम ए आर के, दो वर्ड्स का है, एग मार्क है ना, ए जी एम आर के। ए जी का क्या मतलब है? ए जी प्रपोजेज एग्रीकल्चर, ए जी प्रपोजेज एग्रीकल्चर, एंड मार्क का क्या मतलब है? मार्क मीन्स इंडिकेट ए सर्टिफिकेशन, एक तरह का ये सर्टिफिकेट देते हैं, मार्क, मार्क इंडिकेट से सर्टिफिकेशन। तो नेक्स्ट जो है, इट इज इट्स स्टैंडर्ड कवर्स, इट्स स्टैंडर्ड कवर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड, इट्स कवर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज टू कवर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इवन इंक्लूडिंग दी हॉर्टिकल्चर, इवन इंक्लूडिंग द हॉर्टिकल्चर ऑल फूड आइटम्स, ऑल फूड आइटम्स और ड्रिंक एंड DRINK और ड्रिंक
or drink and partly manufactured from or partly manufactured from any such products. तो ये था, दिस मच वी विल कवर इन दिस सेशन ओनली, कि एग मार्केट लिस्ट यू शुड हैव दी बैकग्राउंड ऑफ दिस, की एग्रीकल्चर जो एग मार्क है व्हाट डज इट सिग्निफाइज, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मोस्टली दिस इज रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो चलो आपका ये, आई हैव टेकन दी अटेंडेंस, सो वी फिनिश आवर सेशन हेयर। तो अगर आपको कोई एनी क्लेरिफिकेशन यू रिक्वायर इन दिस, तो यू आर फ्री टू आस्क अबाउट इट दैट। कोई आपको कुछ इसमें नीड एनी टाइप ऑफ क्लेरिफिकेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक और अदर रिलेटेड थिंग्स, ठीक है ना। तो अदरवाइज वी आर फिनिशिंग इट हेयर ना। ओके देन, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। ओके।